गंदगी लग रहा है उसको हटवा। हाँ, अभी सर ट्रैक्टर मंगा रहे सर, सुपरवाइजर साहब को बोल रहे आगे जो है वो बालू है उसको साइड करवा दीजिए। वो तो सर तो लोग आएगा ना सर, बहुत गड़बड़ था, बहुत हद तक ठीक हुआ है। आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर मधेपुरा में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी है। शनिवार को एडीएम अरुण कुमार सिंह, एसडीएम धीरज कुमार सिन्हा, कार्यपालक पदाधिकारी तान्या कुमारी, सीओ योगेंद्र दास सहित अन्य अधिकारियों ने शहर के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान छठ व्रतियों की सुविधाओं को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने सबसे पहले गौशाला छठ घाट का निरीक्षण किया, इसके बाद भिरखी घाट, सुखासन घाट और डीएम आवास पीछे छठ घाट का निरीक्षण किया। एडीएम अरुण कुमार सिंह ने कार्यपालक पदाधिकारी को सभी छठ घाटों की साफ सफाई का निर्देश दिया। एसडीएम धीरज कुमार सिन्हा ने बताया कि नगर परिषद को सभी छठ घाटों की साफ सफाई का निर्देश दिया गया है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। जहां पानी का स्तर ज्यादा है वहां नाव की व्यवस्था की गई है, साथ ही एसडीआरएफ टीम भी तैनात रहेगी। सभी छठ घाटों पर गोताखोर की भी व्यवस्था की गई है। सभी छठ घाटों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। जहाँ भीड़ अधिक होती है वहां पर वॉच टावर की व्यवस्था की जाएगी। वॉच टावर पर सीसीटीवी से भीड़ की निगरानी की जाएगी। उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से दीपावली और छठ पर्व मनाने की अपील की। नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी तान्या कुमारी ने कहा कि सभी छठ घाटों पर साफ सफाई का काम चल रहा है, 2-3 दिनों में सफाई का काम पूरा कर लिया जाएगा। छठ पर्व को लेकर के आज विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया गया है और सभी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। साफ सफाई की व्यवस्था नगर परिषद को दिया गया है कि जल्द से जल्द साफ सफाई की व्यवस्था संपूर्ण करा लें सभी घाटों पे, और सुरक्षा के भी दृष्टिकोण से सभी तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई है। सभी छठ घाट पर जहाँ पे पानी का स्तर ज़्यादा है वहाँ नाव का भी व्यवस्था किया गया है। एसडीआरएफ की टीम भी रहेगी, मौजूद रहेगी, और गोताखोर का भी व्यवस्था किया गया है सभी छठ घाट पे, ताकि कोई अप्रिय घटना अगर ऐसा हो तो तुरंत उनको जो है एक्शन लिया जा सके और लोगों को इससे बचाया जा सके। सभी छठ घाट पे सफाई चल रहा है और आने वाले 2-3 दिनों में ये कार्य जो है पूर्ण करा लिया जाएगा। बाकी सभी छठ घाट पे मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स का भी डेपुटेशन किया गया है, और कुछ जगह जहाँ पे पानी का स्तर ज़्यादा है और क्राउड ज़्यादा होता है वहाँ पे वॉच टावर भी किया जाएगा व्यवस्था, ताकि वहाँ से ऊपर चढ़ करके और सीसीटीवी कैमरे के लगा करके और कैमरे के अंदर जो है सभी पिक्चर को जो है वो दृष्टि में रखते हुए और सभी जो है तैयारियाँ की गई है, और सभी छठ व्रतियों से मतलब मेरा भी यह और यहाँ के वासियों से यह अनुरोध होगा कि सभी छठ व्रत को जो है अच्छे से मनाएं, शांतिपूर्वक मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे छठ घाटों की साफ़ सफाई तैयारी के लिए एक रणनीति बना ली गई है। अभी साफ़ सफाई चल रहा है, जैसे दीपावली ख़त्म होता है बिल्कुल युद्ध स्तर पर छठ घाट की ओर ही ध्यान रहेगा और साफ़ सफाई जो भी हमारी मूलभूत आवश्यकता है उसको किया जाएगा। नगर परिषद की ओर से साफ़ सफाई तो हमेशा रहता है, अभी भी रहेगा। फिर प्रकाश की व्यवस्था रहेगी, अस्थायी शौचालय की व्यवस्था रहेगी, जहाँ पे पानी की गहराई ज़्यादा है नदी में वहाँ बैरिकेडिंग की व्यवस्था रहेगी। बैरिकेडिंग पे हम लोग सुंदर दिखने के लिए बैलून के गेट की व्यवस्था कर रहे हैं, और जो भी दिखेगा कि जो जो चीज़ की आवश्यकता है उसको हम करेंगे। वो तो टाइम है दीपावली के बाद।